विधानसभा की कार्यवाही के मॉनसून सत्र के दौरान आज बीजेपी विधायकों ने सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान बीजेपी विधायकों के हंगामे से नाराज स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने पार्टी के चार विधायकों भानु प्रताप शाही, झुन्झुन महतो, रणधीर सिंह और जयप्रकाश भाई पटेल को सदन की कार्यवाही से 2 दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया है। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायक सदन के वेल में आ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चलती रही। इस बीच सदन के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी विधायकों को अपनी अपनी सीटों पर बैठने का आग्रह किया, लेकिन सदस्यों का हंगामा जारी रहा और वो सीट पर बैठने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद से विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इन चारों विधायकों को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। तो निलंबन के बाद से सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रदीप यादव ने कहा है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई हक नहीं है। जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तभी लगातार प्रतिक्रिया भी और सामने आ रही थी और इन सब के बीच भ्रष्टाचार पर चर्चा कराना चाह रही थी बीजेपी और वेल में आकर के हंगामा लगातार इन सदस्यों ने किया और उसके बाद से समझाने की कोशिश भी की विधानसभा अध्यक्ष ने, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष लगातार कहते रहे कि आप अपनी अपनी सीटों पर जा करके बैठ जाइए, लेकिन इन सबके बीच इनका हंगामा जारी रहा और चार विधायकों को 2 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आज तीसरे दिन तो जमकर हंगामा देखने को मिला है, चार विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है 2 दिनों तक के लिए, क्या कुछ हुआ आज सदन के अंदर? राहुल, सबसे पहले तो मैं जो निलंबित विधायक हैं जयप्रकाश भाई पटेल, अभी वो मेरे साथ में हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। सदन में आज जो अगर कहा जाए बीजेपी के हंगामा को देखते हुए निलंबित किया गया है, आप भी उसमें शामिल हैं। हाँ जी, निश्चित रूप से राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, सरकार के उत्तर सदन में सही से नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग तो विरोध करेंगे और विरोध करना हमारा फर्ज है और ऐसे में स्पीकर के द्वारा कार्रवाई करना अगर उनको अच्छा लगे तो हमें कोई खराब नहीं है, लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बदले की भावना में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या रणनीति होगी बीजेपी की? अब यह संगठन के लोग चर्चा करेंगे, हम तो सदन में तो नहीं जा सकते जब तक वो 4 तारीख तक मुझे ये किए तो जाएंगे नहीं। किन मुद्दों को लेकर के आप लोग सदन के हंगामा कर रहे हैं? विभिन्न मुद्दों पर, कल आप देखे हुए किस तरह से राज्य में सुखाड़ का स्थिति, हम लोग अकाल क्षेत्र घोषित करने को मांग के लेकर आंदोलन, हम लोग ने कहा कि सीधे मुख्यमंत्री जी घोषणा करें, चर्चा का क्या विषय, जब देख रहे हैं सामने स्थिति है। दूसरा चीज, आज भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं प्रदेश में, सरकार के जो नजदीकी IAS IPS FTS है उन पर भ्रष्टाचार का ये चल रहा हो, केस चल रहा हो। विधायक प्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री के हैं उनको CDCBI भ्रष्टाचार के रूप में गिरफ्तार किया हो, उनके प्रेस सलाहकार पर मामला चल रहा हो, तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरा संलिप्त है। इन चीजों को लेकर हम लोग जब अपनी बात को रखते हैं, सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं, तो शायद सरकार को अच्छा नहीं लगता है। तो ये इस तरीके से अगर कहा जाए तो इनका कहना है कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की हो, एक तरफा कार्रवाई की है, क्योंकि ये विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के इनका विधानसभा में ये आवाज उठाएंगे ही। मैं बता दूं, जैसा आप जानना चाह रहे थे, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आज विधानसभा में क्या कुछ कार्रवाई हुई, तो मैं बता दूं आपको कि आज अनुपूरक बजट पे बहस होना है, अभी भोजनावकाश के बाद उस पर कटौती प्रस्ताव पे बहस होगी। और इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो जबरदस्त हंगामा हो गया और उस हंगामे में बीजेपी के जो सदस्य, तमाम सदस्य थे, वो वेल में आकर के हंगामा करने लगे। और हंगामे के बीच की अगर हम बात करेंगे तो उसी बीच में सरजू राय ने जो है कुछ प्रश्न किए थे, जो सरकार के तरफ से जवाब आया था, वो जवाब जो है वो उससे संतुष्ट नहीं थे सरजू राय, और उनका कहना था कि जो अधिकारी जवाब तैयार करते हैं सरकार के तरफ से वो जवाब सही नहीं होता है, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो जवाब आया है कि हरमू नदी के को प्रदूषण मुक्त करने को लेकर के, तो अभी चल करके देखा जाए, उन्होंने पर्याप्त चुनौती दी कि सरकार के जवाब पे कि सरकार एक कमेटी बनाए अध्यक्ष, और वह कमेटी चल करके अभी जांच कर ले, यही रांची की बात है कि किस तरीके से झूठी बात रिपोर्ट में कही गई है, और ये सारी चीजें जो है उसको लेकर के उन्होंने कहा। और अभी सरजू राय खुद वहां गए हैं उस जगह पे, तो एक तरह से कहा जाए कि सरकार के जवाब को लेकर के उन्होंने
असंतुष्ट रहे समझ है, और ये पहला मौका नहीं है। इसके पहले अगर हम बात करेंगे तो इसके पहले भी जब भी सदन चला है तो सरकार के तरफ से जो जवाब आया है तो अधिकारियों द्वारा जो जवाब तैयार किया जाता है उसको लेकर के सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने बार बार उठाया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आज बीजेपी के विधायक जो है हंगामा शुरू कर रहे थे और वेल में आ गए थे, और उसमें चार विधायकों को निलंबित किया गया, उसमें रणधीर सिंह, जयप्रकाश भाई पटेल, उसके साथ में कहा जाए तो दो और विधायक जो हैं वो भी शामिल हैं। चार विधायक आप लोगों को आज बाहर का रास्ता दिखाया गया सदन से 2 दिन के लिए। बिल्कुल, ये जो आज इस तरह से हम लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोरदार तरीके से सदन के बाहर से लेकर सदन के भीतर तक आवाज उठाया, हम लोगों ने जो ईडी की कार्रवाई हुई है इस राज्य में, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के यहाँ करोड़ रुपया पकड़ा गया, मुख्यमंत्री विधायक प्रतिनिधि जेल चले गए, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार को ईडी ने सम्मन जारी किया, कहीं ना कहीं ये आंच मुख्यमंत्री तक आ रही है। तो हम लोगों ने सीधे मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा मांगा है, और जब इसी बातों को लेकर सदन में हम लोग नारेबाजी कर रहे थे, मर्यादित तरीके से कर रहे थे, आप फुटेज को निकाल के देखें कहीं भी कोई ऐसा शब्द हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया, न ही हम लोग बेल पर चढ़े, न ही कोई तरह का ऐसा हम लोगों ने हरकत किया। उसके बाद भी हम लोगों माननीय चार विधायकों को स्पीकर साहब ने फास्ट होकर लंबन करने का काम किया है, उसमें से एक माननीय विधायक जेपी भाई पटेल उसमें सदन में थे भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं ये माननीय स्पीकर सरकार का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि इनको सत्ता विपक्ष दोनों को लेकर चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के भ्रष्टाचार या सरकार के ऐसे जनविरोधी नीतियों को जब हम लोग आवाज उठाते हैं स्पीकर महोदय सुन नहीं पाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनकी भावना झलक जाती है। ये जब स्पीकर के आसन पर आप जब बैठते हैं तो आप सबका होते हैं, उस समय आपको ये भावना नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन इनका हमेशा पसंद 2.5 साल से देखें, 2.5 साल से स्पीकर झारखंड मुक्ति मोर्चा एजेंट के रूप में काम कर रहा है। स्पीकर को लेकर के जो आज कार्रवाई हुई उसको लेकर के बीजेपी के जो विधायक है उनके बीच काफी नाराजगी है, और ये नाराजगी सदन के बाद जब 12:30 बजे के बाद सदन के बाद जब दोबारा शुरू हुआ था सदन उसमें भी दिखा, जब सीपी सिंह खड़े होकर के और आसन को लेकर के सारे सवालों को उन्होंने रखा कि किस तरीके से ये है, और कल जो दीपिका पांडे को लेकर के जो बयान आया था उस पर भी सीपी सिंह ने सवाल उठाया। हालांकि उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने उन्हें बैठा दिया और सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन की कार्यवाही में अनुपूरक प्रस्ताव पे जो है कटौती प्रस्ताव रखा गया है संबोधन महतो जो आज चुके उनके तरफ से, और अब अवकाश के बाद उस पर चर्चा होनी है। चलिए बिल्कुल, तो अपडेट जो है वो बता रहे थे मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।